जैसे कि आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड के बहुत ही दिग्गज स्टार जो कि अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी फैमिली में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनकी रिपोर्ट्स में। और उस दौरान ही अनुपम खेर जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं बॉलीवुड के, उस दौरान ही उनके परिवार से भी काफी बड़ी बड़ी बातें आ रही है। उनके परिवार के 4 लोग इस जंग में लड़ रहे हैं और उनकी माँ को भी अभी आइसोलेशन वार्ड में अभी शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए हम बताते हैं कि अनुपम खेर की फैमिली का अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, डॉक्टर्स का क्या कहना है इसके ऊपर, अनुपम खेर ने क्या बोला है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसके जरिए हम आप तक सबसे पहले अपडेट लेके आ पाए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। तो अनुपम खेर को कौन नहीं जानता है, और उससे पहले भी आप लोगों को पता है कि हमारे जो कि महानायक जो कि अमिताभ बच्चन जी हैं, वो एक्चुअली नानावती हॉस्पिटल में एडमिट है अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ। उस दौरान ही ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन भी एक्चुअली में होम क्वारंटीन उनको किया गया है, उनका भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। इस दौरान ही जो कि बॉलीवुड के एक दूसरा परिवार है जो कि अनुपम खेर जी का परिवार है, उनके परिवार में भी 4 लोगों का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, कोरोना पॉजिटिव आया है। उससे उसके बीच में ही जो कि अनुपम खेर जी की माँ है उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है, जो उनके भाई हैं, भाभी हैं और भतीजी हैं उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके कारण अभी उन्होंने इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपनी पूरी अपडेट दी और सब लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये चीज बताया कि मैं एक एक का शुक्रिया अदा तो नहीं कर सकता, पर मैं दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। जिस तरीके से आप दुआ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप विश कर रहे हैं कि सब लोग ठीक होकर जल्दी वापस आ जाए, तो आपकी दुआएं काम करेंगी, वो जल्द से जल्द ठीक होकर आ जाएंगे। और उस दौरान उन्होंने सब लोगों को ये भी चीज बोला कि ये घर पे रहना, क्वारंटीन होना या सैनिटाइज करना अपने हाथ, और सब चीजों का सुरक्षा का, सावधान का, सब चीजें आप लोगों को जो कि यूज करना है वो कोई मजाक नहीं है, वो सब चीजें आपको करना है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर किसी को हो जाए तो उससे बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। उस दौरान उन्होंने ये भी चीज बताया कि उनकी मम्मी को एक्चुअली में अभी आइसोलेशन वार्ड में अभी शिफ्ट कर दिया गया है, उनके भाई, भाभी और उनकी भतीजी को घर में क्वारंटीन किया गया है और अच्छे डॉक्टर से वो लोग अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और उनकी मम्मी की भी हालत अभी तक काफी ज्यादा सुधार आ चुका है। हालांकि आप लोगों को हमारी तरफ से अपडेट अच्छी लगी होगी गाइज, अपना ध्यान रखिए। पहले स्टार्टिंग में आया था सब चीजें सही है, डर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस चीज से लड़ने का ऐसा माइंड में आ गया है कि हम लोग लड़ लेंगे, हमें सिर्फ हाथ सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, ये सब्जी धोनी है या इसको ऐसा करके रखना है। तो गाइस आप जैसे स्टार्टिंग में सब चीजें कर रहे थे, अभी भी वो सब चीजें कीजिए, बेफजूल घर से बाहर मत निकलिए, अपने बच्चों का, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज उससे भी ज्यादा जानलेवा हो चुकी है। अभी अभी हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं, अभी ये सेलिब्रिटीज हैं तो इसीलिए सब चीजें हो जाती हैं, उनको मिल जाते हैं, पर अगर आम इंसान को ऐसा सब चीजें हो जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, जितना हो सके उतनी सावधानी बरतिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।